नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। एक बड़ी खबर के साथ हम इस वक्त लाइव जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि कल एक बड़ा फैसला, जो 12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का जो मामला हुआ था, उसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया गया था। जो दो दोषी थे, उन दोषियों को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 1-1 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। उस फैसले की हर जिले में, पूरे जिले में अब चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है। लगातार जो है जिले भर में और पूरे देश भर में इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं और लगातार छोटी बच्चों के साथ रेप जैसे जो है आरोप और वारदात जो है सामने देखने को मिलती हैं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर परिवार, जहां वो अपने मामा के घर रह रही थी, ये मतरोड़ा क्षेत्र का एक गांव है। गांव का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेप और एक बच्ची, नाबालिग बच्ची से जुड़ा ये मामला है। और हम आपको बता दें कि उस परिवार से आज हम मिले हैं। उन परिवार की जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला और अहम फैसला जो आया है, उस पर परिवार वालों का क्या कहना है, उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं है, जो दोषियों को सजा दी गई थी। हम आपको बता दें कि ये साल 2018 का मामला है, जहां कूड़ा डालने के लिए बच्ची जाती है और उसको जो है अगवा कर लेते हैं और उसके साथ जो है दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और फिर उसकी जो हत्या कर देते हैं। अब उस मामले में सुप्रीम न्यायाधीश द्वारा एक फैसला दिया गया है, दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। परिवार हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे, कल एक फैसला आया है, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म जिन दो दोषियों ने किया था उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, कैसे आप इसको देखते हैं? हम इसे संतुष्ट हैं कि न्यायाधीश ने अच्छा फैसला लिया है। तो लेट से हुआ तो अच्छा हुआ कि उन्होंने दुष्कर्म किया, बेटी के साथ बहुत बुरा किया, तो आने वाले टाइम में भी और को इसके मिलेगा कि अच्छा कि किसी के साथ ऐसा काम ना कर सके, क्योंकि फैसला अच्छा है न्याय का। हम इसका आदर करते हैं और जज साहब का भी आदर करते हैं, उन्होंने अच्छा फैसला लिया और वकील साहब का भी, उन्होंने हमारे साथ मेहनत किया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। 4 साल के बाद फैसला आया है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? हम ये सोच रहे कि अच्छा किया है, ये देर से तो आया तो गुड आया है, अच्छा फैसला न्यायाधीश का। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो है बच्चों के साथ इस तरह की वारदातें देखने को मिलती है देश भर में, इससे पहले भी बहुत सारी बच्चों के साथ रेप जैसी वारदातें हुई और उनकी हत्या कर दी गई, तो क्या लगता है कि इस मामले में कोर्ट को थोड़ी और जल्दी दिखानी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं उन पर असर पड़े और इस तरह की वारदातें आगे ना हो? यह बात तो अच्छा है कि कोर्ट को ऐसा फैसला अच्छे तरह ही लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए फैसला, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ये किसी को ऐसा कार्य ना कर सके कि किसी के साथ ऐसा वारदात ना हो और सचेत हो जाए लोग कि ऐसे वारदात किसी के साथ ना हो। आप जैसे दोषी गण हैं, वो ऊपरली कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपने आपको बचाने के लिए, क्योंकि फांसी की सजा हो गई है। तो उस केस में आप कैसे सोचते हैं? केस में ये सोचते हैं हम भी उसके साथ चलेंगे, तो हम न्याय चाहिए हमें, तो सिर्फ किसी के साथ ऐसा वार्तालाप ना हो कि हम भी आगे जाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे, जहाँ तक हमें जाना वहाँ तक जाएंगे। हम न्याय चाहिए हमें, से मुद्दे पर चलना हमें, दोनों दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों जो दोषी हैं, प्रदीप और सागर, हाँ जी, हाँ जी, उनका पहले जो इस वारदात से पहले गांव में किस तरह का रहता था, वो क्या क्रिमिनल टाइप के अधिकारी लगते थे? वो तो घर से लापता रहते थे, नशा पता करते थे, काम भी कुछ नहीं करते थे, आवारागर्दी में रहते थे, वो शुरू से उनका ऐसा ही रवैया था कि ऐसे रहते थे। अगर उनको ऐसे खुले छोड़ दिया जाता तो वो और भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकते? हाँ, ऐसा करते थे, कर सकते थे ऐसा, क्योंकि रवैया ऐसा ही था उनका, ऐसे वार्तालाप करते थे वो। अच्छा, तो अब जो कोर्ट का फैसला आया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ, हम संतुष्ट हैं। कोर्ट का जो फैसला आया उसके अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा फैसला दिया कोर्ट ने। बच्ची के मामा हैं? हाँ जी, उसके मामा जी। तो बच्ची के मामा से हमने सीधी बातचीत इस वक्त की है और उनका ये कहना है कि वो कोर्ट का जो फैसला आया है उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनको उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगर वो ऊपरली कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं, इस फैसले को लेकर चुनौती देते हैं, तो ये भी पूरी जो है दमखम के साथ इस अपील के साथ जाएंगे और दोनों जो दोषी हैं उन दोनों को फांसी की सजा दिलवाकर रहेंगे और फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही दम लेंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी भी है। इस तरह की जो वारदातें हैं, घिनौनी वारदातें हैं, जो इन पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि
बहुत कुकृत्य किया गया था, 12 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। और आज हम घर पर पहुंचे थे और परिवार वालों से बातचीत हमने की और उन्होंने यही बताया कि कोर्ट का फैसला हालांकि थोड़ा देरी से ज़रूर आया, लेकिन वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं और दोनों दोषियों को जो सज़ा दी गई है वो बेहद ज़रूरी थी, ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की वारदातें होती हैं तो उन पर थोड़ा बहुत नकेल लगाया जा सके, क्योंकि देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बच्चों के साथ जो है रेप जैसी वारदातों का अंजाम दिया जाता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। परिवार के सदस्य से, हालांकि बच्ची के मामा से हमने सीधी बातचीत की, उन्होंने भी यही बताया कि हम संतुष्ट हैं कोर्ट के फैसले से, लेकिन अगर दोषी गण ऊपर अपील करते हैं तो ये भी उसके साथ जाएंगे और दोषियों को सज़ा दिलाकर ही दम लेंगे। नमस्कार, पानीपत से सचिन शर्मा।